9/4/2021 को हमारे पास एक FIR रजिस्टर करवाई प्रीति वाइफ ऑफ रविंदर ने कि उनके हस्बैंड पे 8 तारीख को गोलियां चली हैं। वो जीन से समालखा आ रहे थे और रास्ते में वो बाइक से उतरे थे वॉशरूम जाने के लिए और तभी एक गाड़ी ही रुकी थी और 5-6 लोगों ने उन पर फायरिंग की। तो उसी दिन हमने FIR रजिस्टर की और हमने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी। हमारे CIA 3 इंचार्ज अनिल चिल्लर जी की ये इन्वेस्टिगेशन का नतीजा है कि हमने ये केस क्रैक कर लिया है। तो एक्चुअल में जो सच्चाई निकली है वो ये है कि जो मुदई था हमारा रविंदर, उन्होंने खुद को ये गोली मारी है ताकि वो बाकी जो हरियाणा ऑर्गेनिक जिसमें वो ठेकेदार हैं वो काम करते हैं उनको वो फ्रेम कर सकें और उनसे वो एक्सटॉर्शन कर सकें 35 लाख रुपये का। एक्सटॉर्शन में कितने मनी मांगने की उसे प्लानिंग थी? 35 लाख रुपये का अब तक न्यूज़ आया है, बाकी हम वेरीफाई कर रहे हैं अभी। कितने लोग इसमें शामिल हैं? अब तक हमने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, एक रविंदर खुद जिनको इंजरी हुई है, उनकी वाइफ प्रीति जिन्होंने कंप्लेंट दी थी और जो मौके पे थी, और प्रदीप उनका क्लोज एड और उनके साथ काम करने वाला। जिस बंदूक से गोली मारी वो बरामद हुई है? अब तक बरामद नहीं हुई है, हमारी कोशिश जारी है। और कहां कहां गोली लगी उसको? लगी है एक लेग पे, जो पैर वाली लगी है वो छूके गुजरी थी, और उसको लगी है राइट साइड की चेस्ट पे। पहले भी कोई आपराधिक रिकॉर्ड है मैम इनका? नहीं है, तीनों का नहीं है। ये प्लानिंग करने का मकसद क्या है? प्लानिंग का मकसद जैसे कि जो FIR में लिस्टेड नामित आरोपी हैं वो सारे के सारे हरियाणा ऑर्गेनिक्स में काम करने वाले, उनका स्टाफ और जो बाकी ठेकेदार हैं वो हैं। तो अब तक जो मोटिव सामने आ रहा है वो यही है कि ये ठेकेदार था तो ये बाकी ठेकेदारों का काम मतलब उनको हटा के खुद काम चलाना चाहता था, और दूसरा ये कि वो पैसे भी एक्सट्रॉट करना चाहता था। कितने लोग शामिल हो सकते हैं इसमें? अभी जांच जारी है, अभी तक हमने 3 गिरफ्तारी की है। पत्नी भी शामिल है जिसमें? पूरे बिल्कुल, हमने पत्नी को अरेस्ट किया है, पत्नी मौजूद थी मौके पे। मैं शक कैसे हुआ इनके ऊपर और आगे क्या? शक जो हुआ वो हमें Day 1 से जब हमारे इंस्पेक्टर मौके पे गए, मौके की हमने वो देखी जो उनकी स्टोरी थी वो मैच नहीं कर रही थी मौके से, कि कहाँ पे लगी है गाड़ी, कहाँ पे रुकी, तो वो मैच नहीं हो रहा था। तो शक हमें था, फिर हमने पूरी इन्वेस्टिगेशन अपनी की कि कौन वो लोग हो सकते हैं, कुछ हमें क्लू मिले, तो उसी हिसाब से चलते चलते कड़ी जुड़ती गई एंड वी हैव रीच्ड दिस पॉइंट। कैरियर एसी 100 वर्षों से विश्वसनीय है। एसी ब्रांड 50 डिग्री तापमान में भी कूलिंग करे। कैरियर एसी 0% फाइनेंस, आसान किस्तों में उपलब्ध। कैरियर एसी 100% कॉपर कॉइल। करियर एसी चलता जाए सालों साल, कूलर ही कूलर, ASM कूलर हर घर की पसंद। 100% कॉपर मोटर में ASM कूलर, कूलिंग में नंबर 1। बालाजी इलेक्ट्रॉनिक नियर फेडरल बैंक जीटी रोड पानीपत 9812214545। Yes, but-